माता मातेश्वरी सेवा दरबार के द्वारा सोमवार को शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए, जिसमें सबसे आगे मातेश्वरी ध्वज था। इसके बाद माता आदिशक्ति का रथ, झांकी व प्रतिमा थी। बैंड डंका कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। आपको बता दें कि कलश यात्रा माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा से आरम्भ होकर रामनगर चौराहा कौड़ियहवा होते हुए गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भीम सरोवर पर मां गंगा के पूजन के उपरांत कलश जल पूरित किया गया। उसके बाद नगर भ्रमण करते हुए कलश यात्रा धर्मशाला, यातायात चौक, गोलघर, काली मंदिर होते हुए वापस माता मातेश्वरी सेवा दरबार पहुंची, जहां शंखनाद, पुष्प वर्षा एवं आरती के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया तथा कलश स्थापना की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माता मातेश्वरी सेवा दरबार के मीडिया प्रभारी विनय कुमार वैश्य ने कहा, विनय कुमार वैश्य मीडिया प्रभारी माता मातेश्वर सेवा दरबार पचपेड़वा गोरखनाथ गोरखपुर जी। सबसे पहले सभी देखने वालों को जय माता दी। आज माता मातेश्वर सेवा दरबार पचपेड़वा गोरखनाथ गोरखपुर के द्वारा एक विशाल एवं भव्य कलश यात्रा निकाला जा रहा है। यह कलश यात्रा विगत 20 वर्षों से सन 2003 से लगभग प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के प्रथम प्रतिपदा को निकाला जाता है।
इसमें माता भक्तों की अपार भक्ति देखने को मिलती है। माता भक्त उमर पड़ते हैं और हर तरफ लगता है कि क्या माता ने क्या चमत्कार कर दिया है कि माँ की कृपा इस तरह से बरसते जा रही है माँ भक्तों पे। स्थापना भी की जाएगी कल से जी, जो जल यहाँ से आप लोग भर रहे हैं जी, स्थापना की जाएगी जी जी जी, कलश की स्थापना की जाएगी माता मातृश्री सेवा दरबार पचपड़वा गोरखनाथ गोरखपुर में।